मैं एक बहन को देख रहा हूँ, वो बिल्कुल नई है और जिसका पति से वो बड़े परेशान है और वो झगड़ा बहुत कलेश करता है उसका पति। राइट नाउ मेरी बहन विश्वास कर, खुदा तुझे इसे छुड़ाएगा और आजाद करेगा। राइट नाउ हालेलुया। इस सिस्टर का नाम चरणजीत कौर है और इस ब्रदर जी का नाम रूबल है और जे पालोवाल गांव के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही जे जे सिस्टर बता रहे कि 5 साल हो गए इनकी मैरिज को, और जैसे इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के सिर्फ 6 महीने ही सिर्फ इनके लाइफ में सही रहे और 6 महीने बाद इनके लाइफ में इतने डिस्टर्बिंग थे, इतना परेशान थे। जे बता रहे कि कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती जी, छोटी सी बात में ही जे सिस्टर इनके हस्बैंड इनके साथ कलेश हो जाते थे। जे दोनों आपस में बहुत ही झगड़ते लड़ते थे जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। जे बताते कि इसके कारण जे ब्रदर जी इनको इनको मारते पीटते थे भी थे और जे बहुत परेशान थे। जे सिस्टर बताते कि इस प्रॉब्लम के कारण जे अपने मायके रहते थे और जैसे जे चले जाते तो काफ़ी समय ऐसे वहाँ पर ही रहते थे क्योंकि इतना परेशान थे, इतने इनके घर में कलेश रहता था। और जे बताते कि कलेश के कारण जैसे ही छोटी सी बात पर कलेश होता तो घर का नुकसान भी बहुत होता जी, बहुत सारी चीज़ों को भी तोड़ फोड़ देते थे। जो भी चीज़ इस ब्रदर जी के या सिस्टर के हाथ में आती, अगर मोबाइल फ़ोन टीवी कुछ भी क्यों नहीं है, जे बताते कि सब कुछ तोड़ फोड़ देते। इतना परेशान थे जे, 5 साल हो गए थे इनकी मैरिज को पर कोई भी इनके जीवन में कोई शांति नहीं थी, इतना परेशान थे। और जे बता रहे कि जैसे प्रभु की गुड न्यूज़ इन्हें मिली और जब जे फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में इन्होंने 18 जून को मीटिंग को अटेंड किया तो जे बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई कि एक प्रोफेटिक वर्ड है कि एक बहन है जिसका पति उसके साथ बहुत क्लेश करता, जो बहुत परेशान है। पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, वो बिल्कुल नई है और जिसका पति से वो बड़े परेशान है और वो झगड़ा बहुत कलेश करता है उसका पति। राइट नाउ मेरी बहन विश्वास कर, खुदा तुझे इसे छुड़ाएगा और आजाद करेगा। राइट नाउ विश्वास कर, तू गवाही देगी। मैंने कहा तू गवाही देगी इन द नेम ऑफ जीसस। और जे बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा जो प्रोफेटिक वर्ड है कि वो बहन नहीं है और आज इस मीटिंग में तो जैसे ही क्योंकि जो तो कुछ भी नहीं जानते पर जैसे इन्होंने इस वर्ड को सुना परमेश्वर के दास के द्वारा और जब जे दोनों ही जे सिस्टर इनके हस्बैंड आगे आए तो फिर इनके लिए प्रेयर हुई। अभी हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। फतेहगढ़ चूड़ियाँ क्या प्रॉब्लम थी? ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਲੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਕੋ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਇੱਕ ਬਹਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਪਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਬੜੀ ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਰਿਸੀਵ ਕੀਆ ਥਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆਪਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ क्योंकि जो वचन परमेश्वर देता है वो छुटकारे के लिए देता है। और मैं विश्वास करता हूँ आज से खुदावंद का रूह आपको शांति देगा इन द नेम ऑफ जीसस। चल शैतान दोनों के जीवन से राइट नाउ शट इन द नेम ऑफ जीसस, पूरी तरह से निकल इनकी बॉडी से, शरीर से, शट इन द नेम ऑफ जीसस। द पावर ऑफ होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यस खुदा, तेरी जीवित शक्ति से मैं आजाद घोषित करता हूं आज से, खुदा तेरी शांति का आत्मा इनके जीवन में राज्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई तो
तो जो भी इनके फैमिली में और जो इनके जीवन में इतनी डिस्टर्बिंग की परेशानी थी, रोज कलेश हो जाता था, जे बता रहे कि उसी दिन ही प्रभु की ग्रेस उस सामर्थ ने इनको छुआ और अभी जे दोनों इतने खुश है, कोई कलेश नहीं, छोटी छोटी बात में जो इनकी बनती नहीं थी अभी बिल्कुल परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया। जहां तक जे बता रहे कि इतने सालों में इनके इस ब्रदर जी के पास कोई काम नहीं था और इसके कारण भी जे बहुत परेशान थे और जे बता रहे कि परमेश्वर ने अभी इनको बहुत ही अच्छे काम के साथ भी ब्लेस किया है और जो कोरियर का काम करते और जो सैलरी भी परमेश्वर ने जो बता रहे कि 24,000 रुपया है और इतना ब्लेस किया है इस फैमिली को भी, कोई परेशानी नहीं, कोई कलेश नहीं है। आज पूरी तरह परमेश्वर की वो शांति इनके जीवन में और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करेंगे। सुनो, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ नहीं, सुनो, ये लोग सोचते हैं मेरी पत्नी गलत है, मेरा पति गलत है। ये एक क्लेश की दुष्ट आत्मा होती है हर चीज के, आपकी मैरिज लाइफ के पीछे क्या होती है। जब अगर पति और पत्नी में क्लेश है तो समझ लेना कौन सी आत्मा है, क्लेश की दुष्ट आत्मा। 6 महीने हुए शादी को, बस 6 महीने सही गुजरे, उसके बाद इतना झगड़ा। झगड़ा करने के बाद कितना टाइम चले जाते थे, माइक के चले जाते थे, घर चल जाती है अपने लड़के, कितना देर तक, 6 महीने तक घर नहीं आते। नहीं नहीं, जब झगड़ा करके ये घर चले जाते तो कितने टाइम के बाद वापस आते? नहीं, माइक में, माइक में। हाँ, कोई बात नहीं, जी बता रहे कि माइक में नहीं बोल सकती। अच्छा, आप पूछ कर बताओ क्या कहती। नहीं, जब झगड़ा करके आप अपने माइके जाते तो कितनी देर तक माइके रहते थे? अब इतना अच्छा बोल रहे हो, माइके में क्यों नहीं बोले? हाँ ठीक है, थोड़ा माइक में बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ। तो जी बता रहे हैं कि जैसे इनके साथ इनका क्लेश होता था, कभी 1.5 साल, कभी 6 महीने, कभी साल, और कभी भी जी बता रहे इतनी परेशान थी कि बस में जाना भी, अकेले भी जाना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। देखो जी, जब भी झगड़ा होता तो कितने लंबे समय तक फिर जे भाई साहब जाकर लेकर आते थे, देख लो। आप पहले भी जीसस पर विश्वास करते थे? हाँ, विश्वास करते थे, ये ऑलरेडी पहले से प्रभु में थे, विश्वास करते थे। पर जैसे किसी ने गुड न्यूज दी और यहां पे पहली बार आई, मैं क्यों कहता हूं बोलो क्या, ये एक जीवित चर्च है जहां पे वर्ड की सच्चाई और खुदा की ग्रेस भी है। ये पहली बार आए, आप साब लगा लो, और जब ये दोनों लड़ते थे, जो चीज भी इनके हाथ में आ जाती वो मार देते दीवार के साथ, कहीं पे भी मोबाइल हो, कोई भी चीज हो, तोड़ देते थे। होता तो हो नुकसान, बोलो क्या, होता तो हो नुकसान, ऐसे करते थे। पर जैसे पहली बार आए, खुदा ने मेरे मुंह से वर्ड दिया, प्रोफेटिक वर्ड दिया, बोलो क्या, ये जब आगे आए तो मैंने कहा ये तो दे चुका है, खाली प्रार्थना हुई यीशु के नाम से, उस झगड़े वाली दुष्ट आत्मा को डांटा गया, शांति की आत्मा को इनके जीवन में रिलीज किया, ये शांति से बने भर गए, वो क्लेश की दुष्ट आत्मा गई। आज कितना टाइम हो गया आपको यहां पे आए हुए, कितना टाइम हो गया आपने गवाही लिखी, आपको नहीं पता? 4 महीने, अभी 4 महीने हो गए जिस दिन से ये प्रोफेटिक दिया, उस दिन से कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, शांति है। पहले कोई बरकत नहीं थी। शादी को कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बरकत नहीं। जब से डिलीवर हुए, जब से जाद हुए इस दुष्ट आत्मा से क्लेश की, तब से खुदा ने एक अच्छा कोरियर का काम दिया, 24,000 रुपया सैलरी है, देख लो भाई, सच्चा खुदा हमारे साथ हैं।
करते हो विश्वास? तारीफ कर दो उस खुदावंद की, जोर से तारीफ कर दो, जोर से। दुआ सुन ली यीशु ने मेरी उदासियां मुक गई, दुआ सुन ली यीशु ने मेरी उदासियां मुक गई, दुआ सुन ली यीशु ने मेरी उदासियां मुक गई। आमेन। तो बने रहना, इसी तरह से वफादारी करना। खुदा 24 नहीं, वो लाखों की तुम्हें बरकत देना चाहता है। आमेन। बोलो क्या? लाखों की। उसके साथ वफादार रहना, जो जो उसकी आज्ञाएं, उसे मानना, उसमें चलना, खुदा का डर रखना। तुम इतने में नहीं, खुदावंद अपने लोगों को, अपने बच्चों को बहुत ऊंचा देखना चाहता है। आमेन। क्यों? वचन कहता है, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या कर दूंगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? उसका वादा है, वो करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। ओके।